अगली खबर आ रही है जामताड़ा से, जहां सरखेड़ी स्थित आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव के आवासीय कार्यालय में जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश महतो ने किया। इस बैठक में पार्टी के केंद्रीय सचिव सह संथाल परगना, संगठन प्रभारी तरुण गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद थे। इस बैठक में तरुण गुप्ता ने पार्टी के पदाधिकारियों संग 17 नवंबर को होने वाले सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार किया। मौके पर आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव सह संथाल परगना, संगठन प्रभारी तरुण गुप्ता ने बताया कि 17 नवंबर को झारखंड सरकार के खिलाफ जन आंदोलन की तैयारी को लेकर कार्य समिति की बैठक आहूत की गई। आंदोलन के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों के बारे में जनता को बताएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियोजन नीति 1932 खातियान और नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया है। ये सभी मुद्दों को लेकर जन आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। आज आजसू पार्टी के जिला कार्य समिति की बैठक आहूत की गई थी। 17 तारीख को एक जन आंदोलन पूरे झारखंड में सुदेश महतो के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कि जो यहाँ के नियोजन नीति है, जो आपका 1932 का खतियान हो, चाहे यहाँ पर अदर बैकवर्ड कास्ट जो है ओबीसी है, उनको जो शहरी निकाय के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में जिस तरह वंचित किया गया, उन मुद्दों को लेकर के इस सरकार को, जो निकम्मी सरकार है, उस निकम्मी सरकार को बताने के लिए 17 तारीख को जामताड़ा की धरती पे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जमा होंगे। जनता घर घर से निकल करके जमा होगी और सरकार को बताने का काम करेगा कि आप पीठ के पीछ में जो छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं 27% हम पिछड़ों को आरक्षण देंगे, और फिर पिछड़ों को आरक्षण देने की भी बात कर रहे हैं, और शहरी निकाय के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में लगभग 10,000 और शहरी निकाय के चुनाव में कम से कम 1,000 जो आरक्षित इस ओबीसी के लिए था, उन सीटों को आपने जो बदलने का काम किया, उनको जो वंचित करने का काम किया, इन गंभीर मुद्दों को लेकर के हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, राज्यपाल के पास भी गए हैं, और आगे झारखंड में इस धरती पर उतर करके, जमीन पर उतर के इस आंदोलन के माध्यम से इसका विरोध करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं।